हाय फ्रेंड्स, मैंने बोला था मैं आपको आज पहुंच गया हूं बर्कली यूनिवर्सिटी में। ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है, नोन फॉर इट्स इंजीनियरिंग कॉलेज, नोन फॉर इट्स MBA, हार्ट स्कूल ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके इतिहास की बाद में बात करेंगे, बट लुक एट दिस सिटी ऑफ बर्कली, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। वो मेन गेट है, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी बोर्ड्स हैं जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। आज संडे का दिन है, स्टूडेंट घूम रहे हैं, खेल कूद के अपना आ रहे हैं वापस, एंड नाउ वी गो इनसाइड द यूनिवर्सिटी, दिखाएंगे आप। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी 1868 में बनी थी, यानी कि तकरीबन 150 साल से ऊपर हो गए यूनिवर्सिटी को बने हुए। और ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये बर्कली की इतना बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, ये गेट है फेडर के नाम पे, वो डाइड इन 1886। इनफैक्ट इनकी जो विधवा थी, उन्होंने जो इनका इतना बड़ा ही वॉज़ अ बैंकर, बट उनकी बेगम ने जो है उनके मरने के बाद सब कुछ डोनेट कर दिया एक ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, जहाँ की दुनिया भर के बच्चे, काफ़ी बच्चे हिंदुस्तान से भी यहाँ पढ़ने आते हैं। फ्रेंड्स, ये है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप देख सकते हो दिस इज द साउथ हॉल, 1873 यानी 1873 के अंदर ये बिल्डिंग बनी थी, और अभी भी काफ़ी वेल मेंटेन है। तो पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी इस तरीके की बिल्डिंग है यहाँ पे, बट वेरी वेरी वेल मेंटेन, वेरी नीट कैंपस। एंड दिस ऑफ कोर्स इज द आइकॉनिक, यू कैन से क्लॉक टावर ऑफ दिस टाउन ऑफ बर्कली। बर्कली टाउन है, शहर का। हाय फ्रेंड्स, ये तो खैर फाउंटेन्स वो सेट अप बाय द कैडेट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी 1905, तो ये भी जो है 115 साल करीब पुराना है ये फाउंटेन। और ये जो टावर हम देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में एक आर्किटेक्ट थे, और 3 दशक उन्होंने पढ़ाया, 30 साल यहाँ आर्किटेक्चर पढ़ाया, तो मैक्सिमम जो बिल्डिंग है ये उनकी डिज़ाइन करेगी। और अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे ऊपर, और वहाँ से आपको जो है पूरा बर्कली यूनिवर्सिटी का नज़ारा दिखाएंगे। थोड़ा पढ़ लो, काम आ जाएगा लाइफ। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए इस टावर पे। ये 300 फीट से ऊंचा टावर है, 1917 में बना था, एंड लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन हैज बीन देयर फॉर द ओल्ड क्लासेस, बैचेस ऑफ 1920, नीचे बेंच दिया हुआ है, 1905 के कैडेट्स ने फाउंटेन बनाया हुआ है, और जो अंदर जो बेल लगी हुई है, आप ऊपर देखो, इसमें अभी 2 बजे म्यूजिक प्ले करेगी, जो फिजिकली प्ले होती है म्यूजिक, यहाँ बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत ट्रेडिशन है इस यूनिवर्सिटी का, जब ये जो है म्यूज़िक प्ले करती है यहाँ पर, बेल टावर की घड़ी अभी भी काम कर रही है। और यहाँ से आपको सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज नज़र आ रहा है, दूसरा ब्रिज जिससे अभी हमने पार किया था वो नज़र आ रहा है, और बीच में अगर आप आइलैंड देखो वो है अल्कैट्राज़ प्रिजन, जिसके ऊपर वेयर ईगल्स डेयर और बहुत सी पिक्चरें बनी है। बहुत ख़तरनाक जेल थी वो, और उसको तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चारों तरफ जो आप देखो, ये बर्कली शहर है और ये यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अलग अलग साइड से आपको दिखाएंगे हम किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है। ये 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, और मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इसका 1873 से लेके 1915-17 तक बन गया था मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का। ये जो है दूसरा डायरेक्शन है, यू कैन आप टेनिस कोर्ट देख लो, स्विमिंग पूल देख लो, वहाँ स्टेडियम है यूनिवर्सिटी का, और ये यूनिवर्सिटी की हाउसिंग है, वेरियस स्कूल्स हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ इनका बिजनेस स्कूल है जो बहुत फेमस है, दुनिया में सबसे फेमस, वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स है, हार्ट स्कूल ऑफ बिजनेस। एंड ये यूनिवर्सिटी का एक साइड का कैंपस आप देख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, ये जो बेल्स हैं इसके ऊपर, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में सुनाई देती है, मैं दिखाई आपको कितनी बड़ी बड़ी बेल्स लगी हैं। इनमें से 36 बेल जो है ये क्लास ऑफ 1928 ने गिफ्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी को। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जो हमारी क्लास के 50 साल हों,
अपने दोस्तों को, कोई ऐसी चीज प्रेजेंट करी जाए अपने इंस्टीट्यूशन को जो कि अगले 50-100 साल तक रहे। सो दिस इज मेनी प्लेसेस आई हैव सीन इन द यूनिवर्सिटी क्लासेस ने जो प्रेजेंट किया है अपने अल्मा मैटर को, ऐसी चीज प्रेजेंट किया जो कि आने वाले स्टूडेंट्स भी उससे इंस्पायर हो सके। रिजर्व पार्किंग देखी है पुलिस के लिए, हैंडीकैप के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व पार्किंग होती है एम्प्लॉयज के लिए, बट आपने कहीं सोचा है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो पार्किंग रखेगी? 8 स्लॉट यहाँ पे रिजर्व हैं किसके लिए? नोबेल प्राइज विनर्स के लिए, नोबेल लॉरेट्स के लिए। इसका मतलब यहाँ इतने नोबेल प्राइज विनर्स या तो इस यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ा रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और रिसर्च के लिए किसी ना किसी फील्ड के लिए नोबेल प्राइज लिया। तो हैट्स ऑफ टू दिस अमेजिंग यूनिवर्सिटी, सारी पार्किंग नोबेल प्राइज विनर्स के लिए, वाह। दोस्तों ये बर्कली यूनिवर्सिटी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, टू दी बर्कली हास। दिस इज़ बिजनेस स्कूल एंड ऑल्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक इनोवेशन एंड मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स फॉर बिजनेस इन द वर्ल्ड, आई थिंक इन द टॉप 5 इन द वर्ल्ड। और यहाँ इनका स्टेडियम है, कैलिफोर्निया मेमोरियल स्टेडियम, अभी स्टेडियम की तरफ जाएंगे। एंड द बेयर इज़ द सिंबल ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, तो कई जगह ऐसे बढ़िया स्टैचूज मिलेंगे। ये भी क्लास ने प्रेजेंट किया फॉर द कोच, उनके जो फुटबॉल कोच थे उनकी याद में ये बेयर उन्होंने बना के प्रेजेंट किया है। अगेन आई थिंक सिंपली ऑसम कमिंग टू दिस यूनिवर्सिटी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बर्कली यूनिवर्सिटी के स्टेडियम के अंदर, ये इनका स्टेडियम है, दिस इज़ बेयर टेरिटरी। आप देखो कितना खूबसूरत स्टेडियम है, और ये मेरी तमन्ना थी कि यूनिवर्सिटी का कैंपस देखना था और मुझे ये स्टेडियम देखना था। आप देखो जरा कितना खूबसूरत स्टेडियम है, 100 साल से ज़्यादा पुराना स्टेडियम है। और ये यूनिवर्सिटी है यहाँ की, मेंटेनेंस देखो स्टेडियम की एंड सीटिंग अरेंजमेंट स्टेडियम का। और आज तो कोई इवेंट है नहीं है बट स्टिल दे अलाउड अस, हमें अलाउ किया इन्होंने स्टेडियम देखने के लिए। एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये भरा होगा खचाखच तो यहाँ क्या सीन होता होगा। एंड आई एम प्राउड टू बी हियर इन द स्टेडियम इन माई स्कूल टी शर्ट, और ये प्राउड टू बी अ जॉर्जियन एट बर्कली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। Yes, the joy of running over the steps of the stadium. Jai Hind.